अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे सीएम योगी, अमित शाह से मुलाकात की। यूपी के लिए अमित शाह के साथ सीएम योगी की बैठक बेहद अहम, अहम पदों के लिए नाम तय होने की उम्मीद। आज अंतरराज्यीय परिषद की 11वीं बैठक, गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो रहे हैं शामिल, बैठक के एजेंडे में केंद्र राज्य संबंधों को लेकर पंची आयोग की सिफारिशों पर चर्चा शामिल। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी भी बैठक में शामिल। केंद्र की योजनाओं और वित्तीय पैकेज पर भी होगी बात। बीती रात भी देर तक सीएम योगी ने 5 अहम विभागों के लिए प्रेजेंटेशन, जरूरी काम पूरे करने के लिए दिया 100 दिनों का वक्त। यूपी में पीपीपी मॉडल के तहत अधिकांश धार्मिक स्थल जोड़ने का फैसला, काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर को एक सर्किट बनाकर जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग को फिर दी हिदायत, कहा 15 जून तक यूपी की सड़कें हो जानी चाहिए गड्ढा मुक्त। खाली पदों पर शीघ्र भर्तियां करने का योगी सरकार ने किया फैसला, महानगरों में मिनी बसें चलाने का फैसला, बनारस में पेयजल टंकी घोटाले की होगी जांच। नगर विकास मंत्रालय हर महीने के पहले शनिवार को 2 घंटे चलाएगा स्वच्छता अभियान, 5 साल में हर जिले में 5 नगर पंचायत बनाई जाएगी आदर्श। आज तक के रियलिटी चेक में गाजियाबाद के एमएमजी और संयुक्ता सरकारी अस्पताल का दिखा बुरा हाल, महिला टॉयलेट के दरवाजे टूटे दिखे। एमएमजी और संयुक्ता सरकारी अस्पताल में मरीजों ने दवा के अभाव का दुखड़ा सुनाया, रेबीज के इंजेक्शन भी मौजूद नहीं होने का आरोप। मेरठ का प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल और मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल रियलिटी चेक में फेल, हर तरफ गंदगी ही गंदगी, अस्पताल में दिखे आवारा कुत्ते। मऊ के जिला अस्पताल में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर, डॉक्टर की भूमिका में दिखा स्वीपर, इमरजेंसी में आने पर मरीजों का करता इलाज डॉक्टर नदारद। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी के बीच पैथोलॉजी विभाग से डॉक्टर गायब, हर ओर दिखी गंदगी। एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगीत का उठाया मुद्दा, वंदे मातरम नहीं गाने वालों की मानसिकता को बताया संकेत। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को नहीं भाया सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, मुख्यमंत्री और बीजेपी को बताया मुसलमान विरोधी। सीएम योगी के हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने महाराजगंज स्थित चर्च पर जबरन धर्मांतरण कराए जाने का लगाया आरोप, रोकी चर्च की प्रार्थना। अमेरिकी सैलानियों समेत करीब 100 लोग प्रार्थना सभा में ले रहे थे हिस्सा, घटना को लेकर तनाव। योगी आदित्यनाथ ने मायावती के शासनकाल में बेची गई यूपी की 21 चीनी मिल की जांच का दिया आदेश, 1100 करोड़ के घोटाले की उठ रही है बात, सीबीआई जांच पर भी विचार। इस साल 21 जून को लखनऊ में रहेंगे पीएम मोदी, यूपी की राजधानी में मनाएंगे योग दिवस। उत्तर प्रदेश में आलू किसानों के अच्छे दिन का बंदोबस्त, योगी सरकार ने 1 लाख मीट्रिक टन सब्जी खरीदने का तय किया लक्ष्य। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल को स्मृति का अल्टीमेटम, अमेठी के दौरे पर कहा कांग्रेस उपाध्यक्ष के लिए अगली बार राह नहीं होगी आसान। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल पर हमला, कहा लोकसभा में जीत के बाद से गायब है सांसद महोदय, कांग्रेस ने बताया बकवास। स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन, बाबा भीमराव अम्बेडकर सेटेलाइट शाखा में बेकरी उत्पादन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में होंगे शामिल। योगीराज में सामने आए पुलिस की बेबसी, मेरठ की परतापुर पुलिस को बीजेपी नेता के बेटे को हिरासत में लेने के बाद कुछ ही देर में छोड़ने पर होना पड़ा मजबूर। बीजेपी नेता संजय त्यागी के बेटे अंकित को पुलिस ने NH-58 से किया था गिरफ्तार, एसयूवी गाड़ी से हुटर और काली फिल्म उतारने की बात पर पुलिस से शुरू हुई थी बहस। अंकित को लॉकअप में बंद करने के बाद थाने पर हुए बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन से पुलिस हुई भरपूर, फौरन अंकित को छोड़ा। पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाने का आरोप, हाथापाई में फट गई थी वर्दी। यूपी के बरेली स्थित त्रिवटीनाथ मंदिर में ड्रेस कोड लागू, जींस स्कर्ट में भगवान दर्शन पर लगाई पाबंदी। अलवर की घटना के बाद मुस्लिम पशुपालकों में बढ़ा खौफ, यूपी के गाजियाबाद और मेरठ में मुस्लिम डेयरी मालिक अब गायों की जगह भैंस को दे रहे हैं तरजीह। मेरठ में एक मुस्लिम डेयरी मालिक ने बयां किया गोरक्षकों का डर, कहा बीमार होने पर गाय को इलाज कराने ले जाने में होती है हिचक। मुजफ्फरनगर में कुरैशी समाज ने गौहत्या को अंजाम देने वालों पर की पंचायत, ऐसे लोगों के सामाजिक बहिष्कार का किया फैसला। मुजफ्फरनगर में कुरैशी समाज की पंचायत में अलवर हत्याकांड की हुई निंदा, गोरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को बताया आतंकी। आज देश के 9 राज्यों में 1 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव, मतदान जारी।
दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा सीट के लिए भी आज डाले जा रहे हैं वोट, आप बीजेपी कांग्रेस में टक्कर। आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह ने पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए छोड़ी थी विधानसभा सीट। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए भी आज हो रहा है उपचुनाव, पीडीपी नेता अमित कर्रा के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। श्रीनगर में उपचुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 12 अप्रैल को भी कई राज्यों में उपचुनाव के बाद 17 अप्रैल को होगी मतगणना। तमिलनाडु के आरके नगर विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को है उपचुनाव। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री के घर छापेमारी का डीएमके नेता स्टालिन ने उठाया मुद्दा, सीबीआई जांच की मांग की। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीर सेल्वम ने फिर उठाया वोट की खरीद फरोख्त का मुद्दा, जारी ताजा वीडियो में मतदाता ने 4000 कैश मिलने की बात कबूली। आरके नगर सीट पर कुल 22 लाख से भी ज्यादा है मतदाता, हर मतदाता को 4000 के हिसाब से 89.65 करोड़ से ज्यादा रुपए बांटने का था प्लान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का सम्मान समारोह करेगी गोवा बीजेपी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 में जीत दिलाने का शाह के सिर बंधा सेहरा। अमित शाह के सम्मान में परिकर सरकार ने पणजी में रैली का किया आयोजन, 30,000 लोगों के जुटने का अनुमान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का आरोप, बीजेपी ने अलोकतांत्रिक तरीके से अपनाकर कई जगह हथियाई सत्ता। शहीदों के परिजनों के लिए राहत कोष जुटाने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च करेंगे राजनाथ सिंह, सीधे कैश ट्रांसफर की होगी सुविधा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने शहीदों के परिजनों के लिए ऐप आधारित वेब पोर्टल में दिया सहयोग। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने 3 तलाक को बताया गलत, बोली कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स के प्राइवेट प्रैक्टिस पर सख्ती, स्वास्थ्य मंत्री ने मंगवाई पूरी लिस्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिया निर्देश, ड्यूटी के वक्त अस्पताल में रहे डॉक्टर। सीनियर आईएएस अवनीश कुमार अवस्थी ने यूपी के मुख्य सचिव के रूप में संभाला कार्यभार, 2 दिन पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से भेजे गए वापस। अवनीश अवस्थी रह चुके हैं गोरखपुर के डीएम योगी आदित्यनाथ के माने जाते हैं करीबी। आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर किया बड़ा हमला, कहा कुछ देशों के लिए इंसानियत से ज्यादा आतंक को अहमियत। सोच दक्षिण एशिया में एक मानसिकता है, ऐसी सोच जो कि आतंकवाद की प्रेरणा तथा उसकी पोषक है। 71 युद्ध के शहीदों के सम्मान समारोह के दौरान पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 100 मुक्ति योद्धाओं को आजीवन मुफ्त सुइलाज की सुविधा। भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ख्वाजा अजमेर पहुंची, गरीब नवाज के दरगाह की ज्यारत की। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैकलम का 3 दिवसीय भारत दौरा, 12 अप्रैल तक भारत में रहेंगे। पटना राजधानी एक्सप्रेस में डकैती की खबर, यात्रियों के मुताबिक बक्सर के पास घुसे थे बदमाश। पटना पहुंचकर यात्रियों ने जीआरपी से की शिकायत, रेलवे सुरक्षा में लापरवाही को लेकर हंगामा। यूपी में पुलिस और कानून से बेखौफ बदमाश, शराब दुकान का विरोध करने वाली महिलाओं के घर में लगाई आग। वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने में किया विरोध प्रदर्शन, शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हैदराबाद में रहने वाले एक युवक के साथ सऊदी अरब में बेरहमी, मां ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। दिल्ली के गीता कॉलोनी में बस में आग, कोई जख्मी नहीं। भरतपुर में आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए 6 लोग गिरफ्तार, कब्जे से मोबाइल लैपटॉप एलसीडी जब्त। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सड़क निर्माण आवेदन को लेकर दबंग सरपंच और दूसरे पक्ष में खूनी संघर्ष, 14 लोग घायल। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की कोशिश, स्ट्रांग रूम तक पहुंचे चोर, इमरजेंसी सायरन बजने की वजह से भागे चोर, सीसीटीवी में दिखी तस्वीरें। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में पंचशील सोसाइटी के 18वीं मंजिल से गिरकर बुजुर्ग की मौत, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में जेपी ग्रीन बिल्डर के खिलाफ फ्लैट खरीदने वालों ने किया प्रदर्शन, साल 2012 में फ्लैट देने का करार किया था। जेपी के विश टाउन में 35,000 और अमन प्रोजेक्ट में 4,000 से ज्यादा लोगों को है आशियाने का इंतजार। हरदोई में होमगार्ड दफ्तर में लगी आग, महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर जले। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में लोगों ने महिला को पीटा, गला दबाकर पति की हत्या का लगाया आरोप। दिल्ली के बलबीर नगर में बदमाशों ने महिला को पीटा, छात्र पर चलाई गोली, स्कूटी से हुए फरार। मुजफ्फरनगर के ककरौली इलाके में पड़ोसी युवक पर जानलेवा हमला, घायल ने हमले की हैरान करने वाली वजह बताई, कहा छींक आने पर हुआ विवाद।
पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में लिया कानून, 88 लाख रुपए नहीं चुकाने वाले दाल खरीदार की पिटाई की। हरियाणा के जेल मंत्री ने जींद जेल में डांसर्स पर पैसे लुटाने के मामले में जेल अधीक्षक और 2 उप जेल अधीक्षक को किया चार्जशीट। फरीदाबाद में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, स्कूल के सामने दिया धरना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शराब की दुकान पर महिलाओं का अल्लाबोल, सेल्समैन की जमकर धुनाई, दुकान में तोड़फोड़। बिहार के मधुबनी जिले के रामपट्टी में 2 गुटों में तनाव, एसपी डीएसपी समेत प्रशासन के तमाम आला अफसरों ने मौके पर किया कैंप। करनाल के राहड़ा के कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र योंग का एनकाउंटर, पुलिस चेक पोस्ट तोड़कर भागते वक्त पुलिस की फायरिंग में मौत। मुंबई में 500 और 2000 के नकली नोट के साथ 3 लोग गिरफ्तार, प्रिंटिंग मशीन के साथ नकली नोट बरामद। हैदराबाद में पुलिस की टास्क फोर्स ने ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 2 नाइजीरियन समेत 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के चांदनी चौक में जर्मन टूरिस्ट पर ब्लेड से हमला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के ओखला में एक महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, 7 रहने वाले प्रेमी पर आरोप। गुवाहाटी में गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी सुबोध विश्वास को 2 दिन के लिए भेजा गया जेल, आरटीआई के जवाब में संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप। नोएडा के ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में निजी संस्था सीआईपीएल ने गरीब बच्चों को बांटे मुफ्त में यूनिफॉर्म और जूते। बैतूल के जंगल में पहुंचे घायल बाघ को सतपुड़ा रिजर्व टाइगर की टीम ने ट्रैंक्विलाइज कर किया बेहोश, इलाज के लिए भोपाल भेजा गया। पहाड़ी से नाले में गिरने की वजह से घायल हो गया था बाघ, पैर हो चुका है लगभग ग्रस्त। कटिहार में घोड़ा गाड़ी की ओवरलोडिंग पर जागर प्रशासन अंकुश लगाने की बात कही। 2.5 महीने बाद बहराइच के जिला अस्पताल में विदा हुई मोगली गर्ल, कतरनिया घाट जंगल में बंदरों के बीच मिली थी लड़की, हाथ और पैर दोनों से इस्तेमाल कर चलती थी। लड़की को फिलहाल लखनऊ स्थित निर्वाण संस्था भेजा गया। इस बीच एक मुस्लिम परिवार ने अपनी बचपन में खोई बेटी होने का किया दावा। शनिवार को आईपीएल में खेले गए 2 मुकाबले, पहले मैच में पंजाब ने पुणे को हराया, 164 का लक्ष्य हासिल कर पंजाब ने पुणे को 6 विकेट से दी मात। कप्तान मैक्सवेल ने बनाए सर्वाधिक 44 रन। दूसरे मुकाबले में बैंगलोर ने दिल्ली को हराया, 15 रन से जीता मुकाबला। आईपीएल सीजन 10 में बैंगलोर की पहली जीत, 69 रन बनाकर केदार जाधव बने मैन ऑफ द मैच। आज आईपीएल के 2 मैच, पहले मैच में हैदराबाद बनाम गुजरात, दूसरे मुकाबले में भिड़ेंगे मुंबई और कोलकाता। नैनीताल में हिमालयन एमटीबी चैलेंज रेस सीजन 3 का आगाज, नैनीताल से पिथौरागढ़ का सफर। चमोली में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बंद। म्यांमार में हुआ दर्दनाक हादसा, 60 सवारों से भरी बड़ी नौका डूबी के शव निकाले गए। रिकॉर्ड बनाने के लिए हॉट एयर बलून से भरी उड़ान, इंग्लिश चैनल से फ्रांस के डॉवर का सफर। वेनेजुएला के कैरकस में विपक्षी दल के प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बल से तीखी झड़प, दफ्तर पर प्रतिबंध का था मुद्दा।